सोगी कहाँ? नहीं रे, सोएंगी कहाँ है? तुमने इंतजार कर रहे थे। तो चलिए। दादी सोई कि नहीं? बुढ़ापे में अम्मा को नींद आती नहीं, कुत्तों की नींद सोती है। मच्छर भी बन बनाए तो झट से जाग जाती है। चल देखते हैं। चला इधर, घोड़ा बेच के सोई रही। चलो अम्मा, मौका अच्छा है। तेज तेज हाथ चला के जल्दी से बनाए ले, नहीं तो अम्मा जी कब उठ जाए कोई ठिकाना नहीं। हम बनाए तो रहे, आप बाहर रह के उनकी नींद पे नजर रखी। यहाँ हमें आपकी जरूरत पड़ी तो हम आपको मदद के लिए बुलाई लेंगे। ठीक है, पर तेजी से हाथ चलाना। हाँ, रुको उड़न खटोला, मारेंगे एक गन्ना उड़ के गिर जाएगा इंडिया गेट। अरे हमें तो सिर्फ हिंदी ही आती है, अगर आपकी आ गया तो हम बताएं इसका। ठीक है बताओ। दिल किसी एक को दो, किसी नेक को दो, ये कोई मंदिर का प्रसाद नहीं जो हर एक को दो। एक बार इंडिया गेट पर कैंडल मार्च करने से तुम्हें ये लगता है कि तुम जहाँ जाओगे वहाँ क्रांति हो जाएगी? अगर सर झुका के अपने काम से काम रखती ना तो ये मुसीबत हमारे गले ना पड़ती। तुम्हें अपने हाथ पर मेरे नाम का गोदना गुदवाना होगा, टैटू। जबान पे लगाम लगा, नहीं तो खींच के जूते के तलवे में चिपका दूंगा। अरे सरोजनी, बेटा सोई नहीं अभी तक, बहुत देर हो गई, सो जा। बस अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगी मामा जी। ठीक, मैं जाता हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट। आज बहुत दिनों बाद डायरी लिख रही हूँ, क्योंकि मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए जो मुझे बेचैन कर रहे हैं। मैं सोचती थी कि दुनिया के सारे मर्द मेरे मामा जी की तरह होते होंगे, मधुर, विनम्र और समझदार। लेकिन इन दिनों मुझे ऐसे ऐसे मर्दों को जानने का मौका मिला है कि उनके बारे में न चाहते हुए भी सोच सोच कर थक जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनकी जिंदगी में जो औरतें होंगी वो कैसी होगी। पहला मयंक, जिसे मैं कभी समझ ही नहीं पाई। दूसरा है सुमिंद्र, जिसे मैं बेझिझक कह सकती हूँ कि वो बेहुदा जाहिल है। और तीसरा सुमिंद्र के पिता दुष्यंत सिंह, जो कि अपने घमंड में चूर और अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझते हैं। बदतमीज और औरतों की इंसल्ट करने वाले, कैसे बदतमीजी से बात कर रहे थे वो, उनकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। उनका बेटा ऐसा क्यों हुआ अब ये बात भी समझ में आ रही है, लेकिन काफी देर से मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि दुष्यंत सिंह की घर की औरतें कैसे रहती होंगी और उनके प्रति इनका व्यवहार कैसा होता होगा। क्या इनकी घर की औरतें कभी खुश भी रहती होगी? रसप्रा, रसा थोड़ा बढ़ा के बनाना, कम नहीं पड़ना चाहिए। अम्मा जी, जरा इधर आइए तो। पेट में बहुत खुजली हो रही है, कुछ काट रहा है, आके खुजा दीजिए ना। हाथ में बेसन लगा है। जरा सा पैसल खाना कहा बनाने लगी, वो अपना नौकर समझ ली।
करें, चीप से चीप सटाए हैं तो जो कहेगी सो करना पड़ेगा। इधर नहीं, यहाँ थोड़ा दही और। हाँ मालपुआ बनने में देरी है का? बस अभी रसादार कोफ्ता बना रहे हैं, फिर मालपुआ बना देंगे। सब भुला गए हैं कि कैसे बनता है ये सब। मायके में सब कुछ बनाते थे, जब से यहाँ ब्याह करके आए सब कुछ भूल गए। अब तो रसोई में वही सादा खाना बनाना है, और ये फैसला भी यही करते हैं कि का बनेगा और का नहीं। जरा सा 19 से 20 हो जाए कि तूफान, हम पहला घर देखे जहाँ पे मर्द रसोई चलाता है। बस अब रहने दीजिए, बहुत खुजा दिए हैं ना। इलो, बिल्ली को भी खबर लग गई। रात को बाहर से म्याऊं करना तो हम दरवाजा खोल देंगे, और अगर नहीं बना होगा तो बता देंगे कि अभी नहीं बना। म्याऊं। बिल्ली नहीं, बिल्ला है। बाहर दरवाजे पे जाकर नहीं वाला न्याऊं बोल दीजिए, वो समझ जाएंगे कि अभी नहीं बना। अच्छा अच्छा, अम्मा जी अभी तो आधी रात बीती है और आप उठ के बैठ गई। हमको समझ में आता है ये आधी रात है, तू क्या कर रही है आधी रात? जी जी, हम वो पानी पीने आए थे, वो आवाज सुना तो आ गए। लगता है हमको उन्हें सपना देख रहे थे। सपना? कैसा सपना? अब सपना तो याद नहीं ना, उन्हें अच्छा सा सपना था, पूरी मिठाई का सपना, जैसे जैसे मालपुआ पक रहा हो। अब तक उसकी महक हमारे दिल में बसी हुई है। अरे अम्मा जी उठ कहे रही हैं, अभी तो आधी रात बची है, सो जाइए, शायद फिर से वही सपना आ जाए, पर सपने में ही सही पूरी मालपुआ खाने को मिल जाए। हमारे सपने का मजाक मत उड़ा, अब उठे गए हैं तो थोड़ा आंगन में टहल लेते हैं। अरे पीठ अकड़ गई है, वात रोक के मारे। अरे अम्मा आपको पानी पीना है ना, हम यहीं लाए देते हैं। अरे चल हट, नहीं तो धक्का मार देंगे। बात तो ऐसे करे है जैसे रोज रात को तुम ही हमका पानी देती हो, खुद ही ले लेंगे हम। अरे हट ना, एक तो कमर अकड़ गई, ऊपर से रास्ता रोके खड़ी है, हट। Bye.
तू भी जग रही है? दोनों सास बहू एक साथ, मामला का है? और ऐसे चौंक का है गई? हम भूत हैं का? अरे ये तो असल की खुशबू आ रही है। सपना है अम्मा, सपना। अरे देखने दे, सपना है के सच है? हे काली माई, का गुल खिला रही थी सास बहू? मालपुआ? कटल का कोरमा? ये छप्पन भोग बना रही थी? कारी झरिया, अरे सामने आ। ये तो छोटी है, तू अकल की मारी? तू तो पागल नहीं ना? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे दुष्यंत को पता चलेगा तो यही आंगन में मार के गाड़ देगा सबको। अब आप ज्यादा चिल्लाइए मत, आप भी खा लीजिएगा। जीप तो आपके पास भी है, मन तो आपका भी करता होगा। तो हम अपने मन को मना के रखते हैं ना? बाकी बन ही गया है तो हम खा ही लेंगे। कटल का कोरमा और मालपुआ खाने का स्वाद तो तुम्हारे दादा के राज में था, पर जब से दुष्यंत के हाथ में मालिकाओं आया है तो का कोरमा और का मालपुआ। खाना तैयार है तो खाने बैठते हैं ना? आधी रात हुई है, समय से खा लेंगे तो दो घड़ी सो भी लेंगे। अरे दादी, एक आज हमने पार्टी रखी है, सब साथ में बैठ के मिल के खाएंगे। लेके आओ जल्दी से। लेके आइए, हम लाते हैं। तुम्हारे दादा सो गए होंगे, कहा है? उनका भी चटर पटर खाने का बहुत शौक है। इतनी लंबी जीभ है उनकी भी। जीभ तो बहुत है लंबी है। आप एक काम करिए, उनकी चिंता छोड़िए, उनके नाम का स्मरण कर लीजिए और चुपचाप खा लीजिए, उनके पेट में अपने आप पहुंच जाएगा। ये लीजिए, आइए। वाह बबुआ वाह। इतनी अकल अगर पढ़ाई में लगाए होते ना तो आज अपने बाप का हल नहीं जोतते, कहीं मुंसिफ होते, मजिस्ट्रेट होते। हाँ चलो निकालो खाना, साथ खाएंगे। दादा जी आप सोए नहीं? अरे बेटा, हम तुम्हारे बाप के बाप हैं। तुम्हारा लक्षण देख के ही हम समझ गए थे कि आज दाल में कुछ और भी पक रहा है। चलो भाई जल्दी परोसो, बड़ा भूख लगा है। जी जी, ये लीजिए। हाँ बात लीजिए लीजिए, खाइए। बनाया तुमने बहुत अच्छा। अब खाइए ना। आया तुम इंदिरा बेटिया।
आप सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे आपके सामने कोनो भूत खड़ा हो? वैसे हम भी इसी घर में रहते, शायद आप हमें भूल गए थे। अरे बिटिया, ऐसे कैसी बात कर रही हो? अरे इसे भी तो खाना दो भाई। सब तो खत्म हो गया। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? अरे सब लोग भूल जाए, हम अपनी बिटिया के ना ही भूल सकते। आओ बिटिया, हम तुम्हारे लिए बचा के रखे, आ जाओ। से इतना प्यार करती है? फिर बाबूजी हमसे प्यार क्यों नहीं करते? अरे वो तुमका बिटिया ना देवी मानता है, और देवी को प्यार नहीं पूजा की जाती है। पूजा करता है तुम्हारी वो। लेकिन हमें देवी नहीं बनना है, आप लोग हमें इंसान ही रहने दो। सब लोग हमारी बात क्यों नहीं समझते? अम्मा, आनंद हो गया भाई, आनंद हो गया। बरसों बाद ऐसा स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। अरे आनंद मिल गया ना, तो आनंद को महसूस कीजिए, समझे? यूं हल्ला मत मचाइए। सुनिए, ये बात हम सबके अंदर रहनी चाहिए, हवा तक को पता नहीं चलना चाहिए, तभी हम सबकी भलाई है, ठीक है? ना ही पता चलेगा, बस ताला ना भेद खोल दे। ताला बंद हो चुका है, हम उसके अंदर आटा डाल के चिपकाए दिए हैं, और वैसे भी बाबूजी को ये लगेगा कि वो ताला चाबी लगा के खोले हैं। बाबूजी को नहीं पता चलेगा। क्या हुआ? आधी रात को नींद खुल गई हमारी, पता कुछ हवेली में गलत हुआ है, पता याद कर रहे होंगे हमको सब। इतनी रात को सब याद करें, इतना भी प्रेम नहीं है, कुछ गड़बड़ है।